वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस एनिमेलिया के फाइनल लेक्चर की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कैसे इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए। हमने इसके ठीक पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था, आप लोग थोड़ा याद करिए, उसमें हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में डिस्कशन किया था। और सुपर क्लास टेट्रापोडा में हमने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ वही एनिमल आता है जिस एनिमल में लोकोमोशन बाई टू पेयर लिम्ब्स के द्वारा लोकोमोशन इन जीवों में होगा, वह टेट्रापोडा के मेंबर्स होंगे। और इस टेट्रापोडा के अंदर एक क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एम्फीबिया, जिसका ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा एनिमल होगा जिसके बॉडी के दो मेजर पार्ट्स होंगे, हेड और ट्रंक। होल बॉडी स्किन से सराउंडेड होगी और इसके स्किन की विशेषता होगी कि इसके बाहर कोई स्केल्स नहीं पाई जाएगी। और स्किन पर कलर चेंजिंग सब्सटेंस क्रोमेटोफोर्स होता है। ये क्रोमेटोफोर्स बॉडी के डार्सल सरफेस पर अगर आप देखें तो डार्क ग्रेस पैचेज पाए जाते हैं। अब वेंट्रल सरफेस बिल्कुल वाइट होता है और येलो टिंज इसमें किनारे से पाया जाता है। टू पेयर लिम्स हैं, फोर लिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, आइज हैं विथ आई लिड्स हैं, ईयर टिम्पैनम जो होता है, टिम्पैनम ईयर के पीछे की तरफ, यही टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये एनिमल्स जो क्लास एम्फीबिया के थे, उस क्लास एम्फीबिया के एनिमल्स को हम लोगों ने कई करेक्टर डिस्कस किया था। हमने आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया था कि बॉडी के दो मेजर पार्ट्स हेड और ट्रंक, टेल कुछ में हो सकती है लेकिन नेक किसी में नहीं हो सकती। एक जो स्केलेटन स्केल्स एब्सेंट नहीं होगा, स्किन ऑलवेज मॉइस्ट होगी एंड हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, लोकोमोशन बाई लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, देयर टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, आईज हैव आई लिड्स, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एनिमल्स ऑफ एम्फीबिया। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज ए इम्पॉर्टेंट करेक्टर। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज ए वाइट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दे कवर द आई बॉल ड्यूरिंग द स्विमिंग, कवर द आई बॉल बिलो द आई लिड्स इन द कॉर्नर एरिया, निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। फ्रॉग हैव कलर चेंजिंग एबिलिटी, दैट मीन्स दे सो कैमाउफ्लाज नेचर। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। और लास्ट में आएंगे तो इसके एग्जांपल्स को याद करने की, एनसीईआरटी में दिए गए एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक समझाएंगे। लेट अस स्टार्ट द कंप्लीट लेक्चर ऑफ द क्लास एम्फीबिया। बॉडी के मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो चुके थे, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज़ द न्यूट्रिशन। फर्स्ट कैरेक्टर इज न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन कैसा? तो एनिमल है, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। और मेनली फ्रॉग इज कार्निवोर्स, दे फीड द इंसेक्ट एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। गट इन द एम्फीबियन इज कंप्लीट, गट इज कंप्लीट बिकॉज टू एपर्चर्स आर प्रेजेंट, माउथ एंड एनस। दिस गट विच इज कंप्लीट ओपन्स इन टू क्लोएका, रिमेंबर इट, CLOACA, क्लोएका।
क्लोएका इज ए कॉमन चेंबर वेयर एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन, गट ओपन्स, रिप्रोडक्टिव डक्ट ओपन्स. दैट मीन्स द एलिमेंट्री कैनाल गट नेवर ओपन सेपरेटली. इफ इट ओपन सेपरेटली देन इट इज एनस. बट हियर इन एम्फीबियंस एनस इज एबसेंट, क्लोएका इज प्रेजेंट. कॉमन चेंबर होता है, कई तरह की डक्ट आकर के इस चेंबर में ओपन होती हैं. हम लोग एम्फीबियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन कैसा, होलोजोइक है. गट कैसा, कंप्लीट एंड ओपन इनटू क्लोएका. सो एक करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट मिला कि क्लोएका इसके अंदर पाया जाता है एम्फीबियंस में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रेस्पिरेशन. अब देखिए आप लोग कि एम्फीबियन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है. रेस्पिरेशन बहुत एडवांस टाइप का यह जीव होता है. एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी सांस ले सकता है, टेरेस्ट्रियल लैंड पर भी सांस ले सकता है. इवन इन एक्टिव पीरियड इन हाइबरनेशन दे रिस्पायर. रेस्पिरेशन के लिए कई स्ट्रक्चर्स है. फर्स्ट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द कॉमन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इन एम्फीबियंस किसके थ्रू होगा भाई क्यूटेनियस? तो आंसर है बाई स्किन. स्किन के द्वारा ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है. सभी एम्फीबियन में स्किन मॉइस्ट होती है. स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट. और मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन बहुत ईजली हो जाता है क्योंकि गैसेज मॉइस्ट स्किन के मॉइस्चर में डिजॉल्व हो जाती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा होने वाला रेस्पिरेशन कौन सा है? क्यूटेनियस बाई स्किन. अच्छा दूसरा देखिए, सेकेंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है एम्फीबियंस में. एंड दिस पल्मोनरी रेस्पिरेशन इज बाई लंग्स. किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा. कि जब ये एम्फीबियन अपने टेरेस्ट्रियल बैकग्राउंड से रेस्पिरेशन करना चाहेंगे, लैंड पर रेस्पिरेशन करना चाहेंगे, तो लैंड पर रेस्पिरेशन करने के लिए इनके अंदर क्या होता है? लंग्स होता है. एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये एम्फीबियन है और इसकी ये लंग्स है, ऐसे समझिए ये लंग्स हॉलो एंड बलून लाइक होती है. हॉलो होती है, बलून लाइक. इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये हॉलो है, खोखली लंग्स है, बैलून लाइक है, बैल फैलना सिकुड़ना. हम लोगों के अंदर जो लंग्स होता है, हमारा लंग्स सॉलिड होता है. ह्यूमन बीइंग का लंग्स हॉलो नहीं होता, लंग्स खोखला नहीं होता. हमारा लंग्स कैसा होता है? सॉलिड होता है, स्पॉन्जी होता है. और एम्फीबियन में लंग्स हॉलो होता है, खोखला होता है. हमारा लंग्स निगेटिव प्रेशर टाइप होता है. ह्यूमन का लंग्स कैसा है? निगेटिव प्रेशर टाइप. और यहाँ का लंग पॉजिटिव प्रेशर टाइप होता है. पॉजिटिव प्रेशर टाइप का होता है, पॉजिटिव प्रेशर टाइप लंग. और ये लंग कैसा है? हॉलो. बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर को ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको कि एम्फीबियन में पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होगा. लंग्स के थ्रू होगा, एकदम आंसर क्लियर. दूसरी बात, लंग्स इसमें वन पेयर होगा, लंग्स हॉलो होगा और पॉजिटिव प्रेशर टाइप होगा. ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का. ह्यूमन में निगेटिव तो इसमें पॉजिटिव, ह्यूमन में सॉलिड स्पॉन्जी तो इसमें हॉलो लंग्स. ये एम्फीबियन की विशेषता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके एम्फीबियन के अंदर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. और ये जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा, ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है. किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है. अगर ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पानी में चले जाएं तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, लैंड पर आ जाएं तो लंग्स के थ्रू करेंगे. हर समय स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे. फ्रॉग स्पेशली अगर कहा जाए तो फ्रॉग में एक और रेस्पिरेशन होता है, उसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं. स्पेशली अगर इसमें क्वेश्चन फ्रॉग का कहा गया तो फ्रॉग में तो ये होगा ही होगा,
एडल्ट फ्रॉग में गिल्स नहीं होती, तो ऊपर का दो तो होगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल रिप्रोडक्शन रिस्पिरेशन होता है, उसको बक्को फेरेंजियल, दिस वन इज द बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। ये कितना इंपॉर्टेंट करेक्टर चल रहा है ना एम्फीबियंस का, न्यूट्रिशन कैसा, रेस्पिरेशन कैसा, और ये करेक्टर्स आपको इस क्लास के बारे में एक डिटेल स्टडी कराते हैं कि कैसे कैसे ये जीव इस लिविंग वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में पाया जाता है। इफ यू स्टडी दिस थिंग्स देन आई एम सेइंग प्लीज बी सीरियस एंड सीरियसली रीड इट विथ इंजॉयमेंट, होल इंजॉयमेंट। कितना बेसिक करेक्टर्स है कि हम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जान रहे हैं, भले ही हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें इतना दिमाग में आ रहा है कि एम्फीबियंस है तो पोइकिलोथर्मिक है, स्किन के थ्रू हमेशा रेस्पिरेशन करेगा, हाइबरनेशन में जाएगा, एस्टिवेशन में जाएगा, स्किन मॉइस्ट होगी, स्केल्स नहीं होंगे, रेस्पिरेशन लैंड पर भी करेगा, वाटर में भी करेगा, टू पेयर लिम्स इसके अंदर है, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आईज में आईलिड्स हैं। देखिए कितना बेसिक, कुछ भी कोई पूछे जिसके बारे में कोई दो शब्द नहीं बोल सकता, आप ढेर सारे करेक्टर्स को बोल सकते हैं। ये है और वेरिएशंस हैं, इसलिए हमारा ब्रेन है हमेशा इसके लिए तैयार बैठा है, क्योंकि सेम चीज़ नहीं है ना, एक ही चीज़ नहीं आ रही है, इसमें हमेशा बदल बदल के आ रहा है, और ये हमारे ब्रेन की डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की। न्यूट्रिशन में गट कंप्लीट एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। रेस्पिरेशन कितना इंपॉर्टेंट टाइप का रेस्पिरेशन इसके अंदर पाया गया, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, ब्रेंकियल, इनफ्राग, वन स्पेशल एक्स्ट्रा दैट इज बक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन। ओके, इसके आगे के करेक्टर्स को भी समझेंगे हम लोग। इसके आगे करेक्टर क्या होता है तो एक्सक्रीशन देख लेते हैं हम लोग। एक्सक्रीशन एम्फीबियंस में एक्सक्रीशन जो होता है ये यूरियोटेलिक होता है। कैसा होता है? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। हालांकि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जब होंगे तो अमोनिया को भी एक्सक्रीट करेंगे, बट हियर यूरियोटेलिक इज इंपॉर्टेंट आंसर। एक्सक्रीट यूरिया, एक्सक्रीट यूरिया। बट हाउ द एनिमल्स ऑफ द एम्फीबिया एक्सक्रीट यूरिया? आंसर इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। किडनी के द्वारा ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, और यहां ध्यान रखिएगा कि किडनी यहां भी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, द किडनी इज मीजोनेफ्रिक, क्योंकि इसके बाद अब बदलेगी मेटानेफ्रिक। यहां तक की किडनी कैसी है? एम्फीबियंस तक मीजोनेफ्रिक किडनी। एक्सक्रीशन यूरियोटेलिक बाय किडनी, विच टाइप ऑफ किडनी इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस? आंसर मीजोनेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। लेट अस सी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस, आंसर इज सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस आर क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप, क्लोज टाइप का है। द हार्ट इन द एम्फीबियंस आर थ्री चेम्बर्ड हार्ट, थ्री चेम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस में हार्ट कैसा? थ्री चेम्बर्ड हार्ट है। अब थ्री चेम्बर्ड हार्ट जब कहता है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? तो टू आट्रियम होगा,
टू आट्रियम प्लस वन एक वेंट्रिकल होगा, वन वेंट्रिकल, थ्री चेंबर्ड हो गया ना, टू आट्रियम प्लस वन वेंट्रिकल। इसके पहले फीसेस में टू चेंबर्ड था, वन आट्रियम वन वेंट्रिकल, यहां क्या हो गया, टू आट्रियम वन वेंट्रिकल, दैट मीन्स हार्ट इज थ्री चेंबर्ड हार्ट। यहां एक और चीज जो फीसेस में मैंने आपको बताया था साइनस वेनोसस, वो यहां भी प्रेजेंट होगा, साइनस वेनोसस प्रेजेंट, यस प्रेजेंट, साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट, इसमें भी साइनस वेनोसस है। एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर इसमें आपको याद रखना होगा कि इसका जो एओर्टिक आर्च है, ए ओ आर टी आई सी, एओर्टिक आर्क, जितना याद हो सके याद करिए, कोई जरूरी नहीं कि सब याद हो जाए, एओर्टिक आर्क, ये पेयर्ड होती है, पी आई आर ई डी, एओर्टिक आर्क आर पेयर्ड। तो हम लोग बात कर रहे हैं एम्फीबियन में सर्कुलेशन की, एम्फीबियन का सर्कुलेशन क्लोज टाइप हार्ट, थ्री चेंबर्ड हार्ट, टू आट्रियम प्लस वन वेंट्रिकल, एंड एडिशनल चेंबर साइनस वेनोसस आल्सो प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, एंड एओर्टिक आर्क इज, एओर्टिक आर्क इज पियर्ड। और एक और इंपॉर्टेंट करेक्टर सुनिए, हम लोगों ने पोर्टल सिस्टम की बात किया था एक बार, याद होगा आपको, पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद है ना आपको। एम्फीबियंस के अंदर पोर्टल सिस्टम दो तरह का होता है, टू टाइप्स का, कौन कौन सा भाई, एम्फीबियंस में पोर्टल सिस्टम दो तरह का है, एक है इसमें, इसको हम लोग रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना, और एक तो वर्टिब्रेट का कॉमन फीचर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये रीनल और हिपैटिक में क्या होता है, तो देखिए पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सर्कुलेशन जो वेन से स्टार्ट होकर वेन में खत्म हो जाता है, हार्ट बीच में नहीं आता, द सर्कुलेशन इन विच देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट एट एनी प्लेस, एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें कि सर्कुलेशन भी हो लेकिन उस दो चीजों के बीच के सर्कुलेशन में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो पोर्टल सिस्टम है। अब थोड़ा पहले के लेक्चर को याद करिएगा, हिपैटिक को मैंने आपको समझाया था लीवर और गट के बीच में सर्कुलेशन, लीवर और गट के बीच का सर्कुलेशन, और जब हम रीनल की बात कर रहे हैं तो रीनल का मतलब ये होता है कि रीनल किडनी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किडनी, किडनी और हाइंड लिंब, हाइंड लिंब के बीच का सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन किडनी और हाइंड लिंब के बीच होगा तो किडनी है ना, तो किडनी का मतलब क्या हो गया, रीनल, हार्ट है नहीं तो क्या हो गया, पोर्टल सिस्टम। और हिपैटिक जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग बात करते हैं लीवर और गट के बीच का सर्कुलेशन, लीवर और गट के बीच का सर्कुलेशन। तो लीवर है दैट मीन्स हिपैटिक, हार्ट नहीं है तो क्या हो गया, पोर्टल सिस्टम। काफी डिटेल में तब बता रहे हैं, काफी डिटेल के करेक्टर्स को इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन जिसको जहां से पूछना हो, आप कभी इस तरह से अपने आप को फील न करें कि आपको आंसर नहीं आ रहा है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप हार्ट, थ्री चेंबर्ड हार्ट, टू आट्रियम वन वेंट्रिकल, साइनस वेनोसस यस प्रेजेंट, एओर्टिक आर्क, हार्ट से निकलने वाली आर्क होती है दो, ऐसे पेयर्ड दो होती है, पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, कौन कौन सा, रीनल भी और हिपैटिक भी। याद रखिएगा ये दोनों सिस्टम सिर्फ फीसेज और एम्फीबियंस में होते हैं, आगे जा कर के रेप्टिलिया, एप्स और मैमिलिया हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ ये गायब हो जाएगा, वहाँ सिर्फ क्या होगा, हिपैटिक होगा। तो एम्फीबियन में ही ये सिस्टम है दोनों, रीनल मीन्स सर्कुलेशन बिटवीन किडनी एंड हाइंड लिम्ब, और हिपैटिक मीन्स सर्कुलेशन बिटवीन लीवर एंड गट, एंड इन दिस सर्कुलेशन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट।
सर्कुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स में, तो एक्सक्रीशन भी हुआ, सर्कुलेशन भी हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। आइए हम लोग अब नेक्स्ट करेक्टर को डिस्कस करें। इसमें एक बात मैं आपको समझा दूं, एक करेक्टर और आप याद रख सकते हैं, चूँकि एनसीईआरटी में गिवन है, आप शुरू में वो इस सेशन में तो नहीं पढ़ना है, बट अगले साल मेडिकल के लिए याद रखना पड़ेगा आपको, आरबीसी के बारे में। एम्फीबियन का आरबीसी ओवल होता है, न्यूक्लिएटेड होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। बाई कॉन्वेक्स, ये ध्यान रखिएगा। और उसके आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वह 100 डेज का होता है, 100 डेज का। ये टॉपिक चूंकि अब आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है, ये शुरू में मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स को आप देखेंगे ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो फ्राग दिया गया है, उसी फ्राग में ये आरबीसी करेक्टर लिखा है। ओवल है, न्यूक्लिएटेड है, बाई कॉन्वेक्स है और आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है, 100 डेज। तो न्यूट्रिशन भी हुआ, रेस्पिरेशन भी हुआ, एक्सक्रीशन भी हुआ, सर्कुलेशन भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी भाई, तो चलिए अगला बात कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एम्फीबियंस में नर्वस सिस्टम कैसा होता है? आंसर वेल डेवलप्ड होता है। आंसर, नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स याद रखनी है आपको, क्रैनियल नर्व्स। तो क्रैनियल नर्व्स एम्फीबियन में 10 पेयर्स होती हैं। कितनी होती है भाई? 10 पेयर्स, याद रखिएगा। जो भी एम्फीबियंस होते हैं इनमें नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स 10 पेयर्स होती है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, आईज हैं विजन के लिए, नॉस्ट्रिल भी है। अब इसके अगले करेक्टर पर सीधे हम चलते हैं। इस करेक्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। एम्फीबियंस में रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो सुनिएगा रिप्रोडक्शन के करेक्टर को, कि एम्फीबियन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एम्फीबियंस में कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया एक पॉइंट। मेल फीमेल में आप आसानी से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब एम्फीबियंस में क्या पाया जाता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। दैट मीन्स द एम्फीबियंस स्पेशली डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, इजली दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल इन मेल फ्रॉग, इन मेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग फोर लिंब, फर्स्ट फिंगर ऑफ फोर लिंब हैव सोलन कॉपुलेटरी पैड एम्प्लेक्सस, एम्प्लेक्सस विच इज एबसेंट इन फीमेल। तो बाई सींग फोर लिंब यू कैन ईजली डिफ्रेंशिएट विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। इन वॉयस वॉक्स का भी डिफरेंस होता है, उतना नहीं जाना है आपको, याद रखना है कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, अब आइए दूसरा देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर एम्फीबियन डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं? डायोसियस, दैट मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल। मेल एंड फीमेल कैन बी सेक्सेस, सेक्सेस, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट।
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बॉडी से बाहर होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन वाटर पानी में होता है। समझ में आ रहा है? जो भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी से बाहर होता है पानी में। स्पानिंग इसको कहा जाता है, स्पान। डेवलपमेंट की प्रोसेस इनडायरेक्ट होती है। डेवलपमेंट कैसा होगा? आंसर है इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस आर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और आपको पता होगा कि जिसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा बनता है, याद है ना? और लार्वा अगर बनेगा तो लार्वा का कोई ना कोई तो नाम होगा, और इसके लार्वा का नाम है टैडपोल लार्वा। क्या है भाई? टैडपोल लार्वा, ये इसका नाम है। एम्फीबियन में रिप्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। एम्फीबिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, मेल फीमेल में अंतर होता है एक्सटर्नल। एनिमल डायोसियस होते हैं, मीन्स मेल फीमेल सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द वाटर, पानी में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, सो एन इंटरमीडिएट स्टेज लार्वल स्टेज आती है, इसका नाम होता है लार्वा, टैडपोल लार्वा। और इस टैडपोल लार्वा की विशेषता है कि इसमें टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेल। और एक्सटर्नल गिल्स पाई जाती है, एक्सटर्नल गिल्स। और इस लार्वा में एक प्रक्रिया होती है तो एडल्ट बन जाता है। देखिए कि जो लार्वा है इसका नाम क्या है? टैडपोल लार्वा। लार्वा की विशेषता है कि इसमें टेल पाई गई और ये इसके अंदर एक्सटर्नल गिल्स पाई गई। और इसमें जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस? मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के बाद ये लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाएगा, जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर डिसअपीयर्ड हो जाएंगे। दैट मीन्स टेल लेस हो जाएगा, टेल नहीं रहेगी, और इसकी एक्सटर्नल गिल भी क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जिसमें कि मेटामॉर्फोसिस होता है एम्फीबियंस में। लार्वा का नाम टैडपोल लार्वा, पहचान बोल दिया कि टेल होगा, एक्सटर्नल गिल्स होगा। और किस प्रोसेस के द्वारा ये एडल्ट में चेंज होगा? आंसर है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के द्वारा यह एडल्ट में चेंज हो जाएगा। ये रिप्रोडक्शन का फीचर है। और ये एम्फीबियंस ओवीपैरस होते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये भी याद रहे आपको, द एम्फीबियंस आर ओवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब एग लेइंग, अंडे देने वाले। एम्फीबियंस की करेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका नेचर। तो ये एम्फीबिया के बारे में हम लोगों ने डिटेल करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम इसको आगे लेकर के अभी चलेंगे। देख लिया आप लोगों ने आरबीसी का, नर्वस सिस्टम का, रिप्रोडक्शन का फीचर। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। इस एम्फीबियन में कुछ और भी चीजों को चलिए, पहले मैं आपको इसके एग्जांपल को लर्न करने की ट्रिक समझा देता हूं, फिर एक्स्ट्रा चीजों को बताएंगे। एग्जाम्पल ट्रिक्स, एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखेंगे? सुनिए, एक स्टोरी दो फ्रेंड्स के बीच की है, एक का नाम सलमान, दूसरे का नाम राणा। दे आर टू फ्रेंड्स, वन इज सलमान, अदर इज राणा।
राणा. दे आर टॉकिंग अबाउट हाई फीस ऑफ देयर कॉलेज. दो दोस्त हैं, एक सलमान और एक राणा. दोनों एक जगह खड़ा होकर के अपने कॉलेज की हाई फीस के बारे में, कि बहुत ज़्यादा कॉलेज की फीस हो गई है, इसके बारे में बातें कर रहे हैं. तो सलमान राणा से कहता है कि इसके बारे में, कॉलेज की हाई फीस के बारे में. यही सेंटेंस है. सेंटेंस मैं लिखता हूँ, सेंटेंस है, सलमान टोल्ड TOLD टू राणा RANA अबाउट हाई फीस HIGH हाई फीस PHIS कर दीजिए. फी मतलब वो फी मत लगेगा यहाँ, PHIS फीस समझ में आना चाहिए याद होने के लिए. अब इनके नामों को हम कैसे करें याद, इम्पॉर्टेंट तो यही है ना, कि हाउ टू लर्न दिस एग्जाम्पल्स. सलमान सैलामेंडर याद रहेगा. ये सैलामेंडर है, इसी में टेल पाई जाती है. सलमान मीन्स सैलामेंडर. टोल्ड, ये टोल्ड है, टोड TOAD टोड, ये हो गया. तो पहला एग्जाम्पल सैलामेंडर, सेकेंड एग्जाम्पल टोल्ड. टू का कोई मतलब नहीं. राणा टिग्रिना TIGRINA टिग्रिना, दिस इज द नेम ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग को कहा जाता है राणा. राणा का मतलब राणा टिग्रिना फ्रॉग. अबाउट मीन्स एलाइट्स ALYTES मिडवाइफ टोड, एलाइट्स टोड होता है. हाई मीन्स हाइला HYLA हाइला. फीस है ना, फीस का मतलब इक्थियो फीस. फीस मीन्स इक्थियो फीस ICHTHYOPHIS इक्थियो फीस. जो NCERT में गिवन एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं का नाम मैंने लिखा है यहाँ पर. ध्यान से देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. सलमान टोल्ड टू राणा, सैलामेंडर दैट इज एम्बिस्टोमा, टोल्ड टोड TOAD बीफो कहा जाता है, बूफो कहा जाता है इसको. हाइला ट्री फ्रॉग होता है. लिख दें सैलामेंडर, सैलामेंडर मीन्स सैलामेंडर हो. टोड को ब्यूफो कहते हैं. टोड को क्या कहते हैं, ब्यूफो. ब्यूफो के नाम से भी क्वेश्चन होता है, BUFO ब्यूफो. ये राणा तो समझ रहे हैं, फ्रा को कहा गया. एलाइट्स, इसको मिडवाइफ टोड कहा जाता है, मिडवाइफ टोड. ये पेरेंटल केयर करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है. हाइला मीन्स ट्री फ्रॉग. इक्थियोफिस मीन्स लिम्बलेस, जिसके अंदर लिम्ब नहीं है. लिम्बलेस एम्फीबियन जो लिम्बलेस एम्फीबियंस है वो इक्थियोफिस ग्रुप में आते हैं. तो सलमान टोल्ड टू राणा अबाउट हाई फीस. सलमान सैलामेंडर, टोल्ड इज कॉमनली नोन एज ब्यूफो, पॉइजनस, इट इज पॉइजनस. राणा टिग्रिना दैट इज इन कॉमन फ्रॉग. अबाउट एलाइट्स, मिडवाइफ टोल्ड, दिस इज नॉट पॉइजनस. दे आर स्पेशली नोन फॉर पेरेंटल केयर टू केयर हर एग्स. हाई मीन्स हाइला. ट्री फ्रॉग.
फिश इक्थियोफिश दैट मीन्स लिम्बलेस एम्फीबियंस, फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग जैसे ट्री फ्रॉग है उस तरह से फ्लाइंग फ्रॉग भी होता है, फ्लाइंग फ्रॉग उड़ने वाला, और उसको रैंकोफोरस कहा जाता है। चूंकि वो एग्जांपल मैंने नहीं दिया एनसीईआरटी में तो मैंने नहीं लिखा है, बट होता है वो भी फ्लाइंग फ्रॉग। तो देखिए एम्फीबिया में जितने एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं वो एक छोटे से सेंटेंस से याद हो जाता है, सलमान टोल्ड टू राना अबाउट हाई फिश, सेलामेंडर टोल्ड राना टिग्रिना एलाइट्स हाइला इक्थियोफिश दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियंस। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एम्फीबियन के करेक्टर को आपको एक्सप्लेन कराया जाए, याद कराया जाए। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस एग्जांपल को एक बार लिख लीजिए फटाफट आप लोग। हो गया ये, लिख लिया आप लोगों ने, चले ठीक है अब इससे आगे चलते हैं। समथिंग एक्स्ट्रा एबव देन एनसीईआरटी, कुछ उससे ऊंचा उठ करके, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से आपको याद रखना पड़ेगा। ये तभी आप करिएगा जब आप पूरा एक बेसिक फंडामेंटली याद कर जाए, तब, उसके पहले नहीं। पता चले कि आपको फंडामेंटली नहीं पता है और एडवांस स्टडी करने लगे, नहीं। इसलिए पहले जो अब तक करेक्टर बताया है ना, ये सारे करेक्टर्स आपके दिमाग में रहें, तब इसको आप आसानी से कर लेंगे। देखिए इस क्लास एम्फीबिया को हम क्लासिफिकेशन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है एम्फीबियंस को। इस एम्फीबियन को कई ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, खासकर से हम इसको तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कितने ग्रुप में? तीन ग्रुप में, थ्री डिफरेंट ग्रुप में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसको ए पोडा कहा जाता है, ए पोडा। सेकेंड ग्रुप को यूरोडेला, यूरोडेला। और थर्ड ग्रुप को एन्यूरा, एन्यूरा। ध्यान से देखिए, एपोडा, यूरोडेला, एन्यूरा, ये तीन अलग अलग ग्रुप में एम्फीबियंस आते हैं। अगर करेक्टर लिखने की बात आए तो ए पोडा, पोडा मीन्स लेग, ए मीन्स एब्सेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा, लिम्ब एब्सेंट, लिम्ब एब्सेंट। ऐसे एम्फीबियंस जिसमें लिम्ब एब्सेंट हो उसका नाम क्या होगा, ए पोडा। इसको हम लोग लिम्बलेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस। और इसका एग्जांपल आपके सामने हमने रखा था इक्थियोफिस, आई सी एच THYO PHIS, इक्थियोफिस। लिम्ब एब्सेंट, लिम्बलेस एम्फीबियंस, इक्थियोफिस। इसकी विशेषता क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल में ब्लाइंड होता है, केव्स में पाया जाता है, गुफाओं में पाया जाता है, ब्लाइंड होता है। और जब भी इसके डायग्राम को आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से ये मुड़ा हुआ ऐसे सांप की तरह दिखाई देता है, देखने में कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं स्नेक तो नहीं है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, कभी भी डायग्राम में बुक्स को खोलेंगे तो इक्थियोफिस का। और ये इस तरह से जो अपने बॉडी को क्वाइल्ड किया रहता है, इसी बॉडी के बीच बीच में इसके एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, ये एग्स होता है, ये एग्स, ठीक है ना। क्वाइलिंग हर बॉडी अराउंड एग्स, क्या हो गया, क्वाइल, क्वाइलिंग बॉडी अराउंड
किसके अराउंड? तो आंसर है एक्स के अराउंड। और ये कैसा है? ब्लाइंड है, अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता। जिस इक्थियोफिश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यह ब्लाइंड एम्फीबियन है, लिम्बलेस एम्फीबियन है, और अपने एग्स के चारों तरफ ये क्वाइल, अपने बॉडी को क्वाइल्ड करके एग की सुरक्षा करता है। और ये एम्फीबिया का पहला ग्रुप हो गया एपोडा, दैट मीन्स लिम्ब एब्सेंट, लिम्बलेस एम्फीबियंस, इक्थियोफिश। इक्थियोफिश पहचान आपके डायग्राम में दिया रहेगा, तो देखिएगा ऐसा वो डायग्राम जिसमें कि बॉडी एक क्वाइल्ड हो एग्स के चारों तरफ, उसी जीव का नाम क्या है? इक्थियोफिश नाम है। ओके भाई, यूरोडेला, इसको भी थोड़ा समझाते हैं आपको। यूरोडेला, यूरो मतलब टेल, याद करिए, यूरो मतलब टेल, मतलब टेल प्रेजेंट। जैसे एक क्वेश्चन था ना कि कुछ एम्फीबियंस में टेल पाई जाती है, कुछ एम्फीबियन में टेल प्रेजेंट होती है, तो बात हुएगी ना कि कौन सा एम्फीबियन है जिसमें टेल पाई जाती है, क्योंकि मैक्सिमम में तो हेड और ट्रंक है, और टेल इन सम, एनसीईआरटी ने लिखा है टेल इन सम, कुछ में टेल पाई जाती है, तो वो जो टेल इन सम है वो कौन सा मेंबर है? यूरोडेला टेल प्रेजेंट। एक और करेक्टर, टू पेयर लिम्स, टू पेयर ऑफ लिम्स, दो जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं। और एक और विशेषता बड़ी अच्छी है कि जो लेग हैं वह इक्वल साइज्ड के हैं, इक्वल साइज्ड। ये बड़ा अंतर आपको याद रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी टू पेयर लिम्स होगा और टू पेयर लिम्स यहाँ भी है, लेकिन अंतर हो जाएगा कि इसकी लिम्ब अनइक्वल होगी और इसकी लिम्ब कैसी होगी? इक्वल साइज की होगी। तो यूरोडेला में यदि कोई मेंबर आएगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? टेल प्रेजेंट होगा, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट होंगी और सभी लिम्ब्स चारों पैर इक्वल साइज की होंगी। समझ में आ रहा है? एक और करेक्टर इसमें होता है कि गिल्स जो होती है एडल्ट में पाई जाती है इसके अंदर, कि जो इसके एडल्ट मेंबर होते हैं उसमें गिल प्रेजेंट रहती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, केवल एग्जांपल, एम्बिस्टोमा, AMBYSTOMA, एम्बिस्टोमा इसका एग्जांपल है। इस एम्बिस्टोमा को हम लोग सैलामेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलामेंडर। आप लिखा था ना सलमान, एम्बिस्टोमा सैलामेंडर। केवल एक एग्जाम्पल समझाते हैं। अब यहाँ सुनिएगा, जो एम्बिस्टोमा सैलामेंडर होता है इसका एक लार्वा होता है। क्या होता है? लार्वा। और इसके लार्वा का नाम होता है एग्जोलाटल लार्वा, एग्जोलाटल लार्वा, याद रखिएगा, बाद में जब सब याद हो जाएगा तब इन सब चीज़ों को, पहले आप 75% स्टडी जो बेसिक है 80% की वो कंप्लीट कर लीजिए, तब इसमें आना होता है। इसके लार्वा का नाम क्या है? एग्जोलाटल लार्वा। और दूसरी विशेषता इसमें क्या होती है कि ये सैलामेंडर का जो एग्जोलाटल लार्वा होता है ये नियोटिनी की प्रक्रिया को शो करता है, नियोटिनी, नियोटिनी। अब ये नियोटिनी का मतलब क्या होता है? तो आंसर है कि लार्वा के अंदर, सॉरी, एडल्ट के अंदर लार्वल करेक्टर का रह जाना। अगर सपोज करिए जैसे ये एग्जोलाटल लार्वा है, अब इस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता तो क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा एम्बिस्टोमा। लेकिन किसी वजह से इस लार्वा का मेटामॉर्फोसिस डिले हो जाए। अब डिले होने का चांस भी आपको बताते हैं। जो एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है ना, उस मेटामॉर्फोसिस के लिए मिनिमम दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक वाटर की, पानी की, और एक आयोडीन की, आयोडीन, पानी में आयोडीन होना चाहिए, और दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन, सेकेंड थायरॉक्सिन हार्मोन, ये भी आयोडीन से बनता है, आपको पता होगा। तो यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए लार्वा में,
या जिस समय लार्वा बना उस समय उस सराउंडिंग का पानी, तालाब का पानी सूख जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस लार्वा में मेटामॉर्फोसिस डिले हो जाता है, और डिले होने के बाद यह लार्वा ही एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एडल्ट तो है लेकिन उस एडल्ट में टाइम के हिसाब से एडल्ट हो गया, क्योंकि समय बढ़ा ना, उम्र बढ़ गई उसकी, तो समय के अनुसार तो ये एडल्ट बन गया, लेकिन अभी भी इस एडल्ट में लार्वल करेक्टर है। तो इस एडल्ट में लार्वल करेक्टर का पाया जाना नियोटिनी कहलाता है। रिटेंशन, सेंटेंस सुनिएगा, रिटेंशन ऑफ लार्वल करेक्टर इन एडल्ट इज नोन एज नियोटिनी और पीडोजेनेसिस। तो नियोटिनी किस में पाया गया? एम्बिस्टोमा में पाया गया। एम्बिस्टोमा के लार्वा का नाम क्या हुआ? एक्सोलाटल लार्वा हो गया। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको 90% वाले लोगों से अलग कर देगी, 92 कर देगी, 95% कर देगी, जो कि सभी नहीं जानते और ये आप जानते हैं। एन्यूरा, जिस एन्यूरा के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहली चीज कि एन्यूरा में वह एम्फीबियन आएगा जिसमें टेल एब्सेंट होगी, टेल एब्सेंट, टेल नहीं होगी। एक यूरोडेला था ना, तो इसमें टेल प्रेजेंट थी, बट एन्यूरा में टेल क्या हो गया? एब्सेंट। और सुनिए, टू पेयर्स ऑफ लिम्स यहां भी होंगी, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब बट अनइक्वल, इक्वल साइज की नहीं, कैसी होंगी? अनइक्वल। यही मैं आपको अंतर समझाने की कोशिश कर रहा था कि एन्यूरा में टेल एब्सेंट हो गई, तो ये देखिए यूरोडेला में टेल प्रेजेंट है, एन्यूरा में टेल क्या हो गई? एब्सेंट। यूरोडेला में टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है, तो एन्यूरा में भी, एन्यूरा में भी टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है। अंतर क्या हुआ? तो इस यूरोडेला में टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स इक्वल साइज की है, बराबर है, चारों पैर बराबर साइज के हैं, बट एन्यूरा में जो टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है ये कैसी है? अनइक्वल है। अब अनइक्वल का मतलब क्या होगा तो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जो फोर लिम्ब होगा, फोर लिम्ब का मतलब क्या हुआ? आगे का पैर ये स्मॉल साइज का होगा, और जो इसका हाइंड लिम्ब होगा, हाइंड लिम्ब ये कैसा होगा? लार्ज साइज का। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, जो बोर्ड पर बना है, ये फोर लिम्ब है और ये क्या? हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब कैसा है? छोटा। हाइंड लिम्ब क्या है? बड़ा एंड वेव्ड है, फॉर लीपिंग, जंपिंग, स्वीपिंग, स्विमिंग। द हाइंड लिम्ब ऑफ एन्यूरा आर लार्जर देन फोर लिम्ब एंड देयर हाइंड लिम्ब आर वेव्ड फॉर लीपिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग, स्विमिंग, इन सब कामों के लिए, लीपिंग के लिए, जंपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए हाइंड लिम्ब बड़ा होता है। भाई पिछला पैर पर दबाव डालेगा, आगे जंप कर जाएगा, तो हाइंड लिम्ब बड़ा है, फोर लिम्ब छोटा है। किस मेंबर के बारे में? तो कह रहा है एन्यूरा के बारे में। टेल एब्सेंट है, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स है, लेकिन लिम्ब्स अनइक्वल है, फोर लिम्ब छोटी है, हाइंड लिम्ब बड़ी है। देखिए एडवांस है, बट छोटे छोटे करेक्टर्स हैं जिसको कि आप इजिली लर्न कर पाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे एम्फीबिया में, एपोडा लिम्ब नहीं है, यूरोडेला टेल प्रेजेंट है, एम्बिस्टोमा एक्सोलाटल लार्वा, एन्यूरा टेल एब्सेंट, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स अनइक्वल, फोर लिम्ब स्मॉल, हाइंड लिम्ब लार्ज। और इसी का एग्जांपल फ्रॉग है। इसी का एग्जांपल क्या है? एन्यूरा में फ्रॉग आता है, एन्यूरा में टोड आता है, एन्यूरा में हाइला बूफो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या होता है? हाइला आता है, ट्री फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग, टोड, ये सब
इसी इन्यूरा के मेंबर है पाइपा, सूरीनाम टोड, रैंकोफोरस, फ्लाइंग फ्रॉग, एलाइट्स, मिडवाइफ टोड, ये सब इसके एग्जांपल है इन्यूरा के। और सबका फोर लिंब छोटा, हाइंड लिंब बड़ा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस एम्फीबिया के बारे में बेसिक्स भी पढ़े, आइडेंटिफाइड कैरेक्टर भी पढ़े, एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में, जिसका नाम है क्लास रेप्टिलिया, स्नेक्स का, लिजर्ड्स का, क्रोकोडाइल का। और उसमें हम लोग देखेंगे कि स्नेक्स कितने तरह के हैं, पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक में क्या डिफरेंस होता है। उस केस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्नेक सामने आया, स्नेक ने आदमी को काट लिया, तो कुछ समय बाद उस आदमी की डेथ हो गई। पता चला कि जिस स्नेक ने बाइट किया था, काटा था, वो स्नेक पॉइजनस ही नहीं था, केवल सांप ने काट लिया। इस वजह से साइकिक अफियर क्रिएट हो गया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो साइंटिफिकली एक स्टूडेंट्स को, मेडिकल के स्टूडेंट्स को जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि सांप जो काटेंगे वो कौन सा पॉइजनस है, कौन सा नॉन पॉइजनस है, किसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी है। तो उस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियाल, लिजर्ड्स कितने तरह की हैं, इन सब चीज़ों में। और वह ग्रुप है क्लास रेप्टिलिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास रेप्टिलिया को। एक बार इसको अच्छे से इरेज कर दें तो नेक्स्ट करेक्टर लिखने में आसान रहेगा। टेट्रापोडा में ही अभी चलेंगे हम लोग। Let us start next class of super class tetrapoda reptilia. Reptilia. After amphibia, this one is the reptilia. Reptilia is made up of is word from Latin language reptum. Reptum. R-A-P-T-U-M. Reptum. Reptum means creeping, creeping or crawling, creeping or crawling, C-R-A-W-L-I-N-G, crawling. That means reptilia include those animals whose movement is either creeping type or crawling type. रेंग कर चलने वाले जमीन पर, सांप को देखिए कैसे चलता है, रेंग कर चलता है। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट और क्रॉलिंग मूवमेंट जो होता है, उसी शब्द से रेप्टम शब्द है। रेप्टम का मीनिंग है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, रेप्टम मीन्स क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो दोज वर्टिब्रेट्स हुज लोकोमोशन इज आइदर क्रीपिंग और क्रॉलिंग आर प्लेस्ड इन क्लास रेप्टिलिया। एकदम बेसिक आइडिया, आप एम्फीबियस अपने आप को बाहर निकाल दीजिए और ले आइए हम ऐसे एनिमल के बारे में जनरल, जिसको आप जानते हैं। मैंने बोला स्नेक्स की स्टडी है, लिजर्ड्स की स्टडी है, क्रोकोडाइल की स्टडी है, गेवियाल की स्टडी है, टार्टवाइस की स्टडी है। तो इनको अपने दिमाग में आप बैठाना है, इन सब इमेजेस को, कि अब इनकी स्टडी मैं करने जा रहा हूँ। रेप्टिलिया द एनिमल इन विच लोकोमोशन इज आइदर क्रीपिंग और क्रॉलिंग टाइप, क्रीपिंग या क्रॉलिंग टाइप। चलिए इसके अंदर अब साइंस की कुछ ब्रांचेस को पहले हम समझते हैं। पहले स्ट्रक्चर में हमें देखना होगा स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स।
रेप्टाइल्स की स्टडी को साइंस की ब्रांच में क्या नाम दिया जाता है? बोलिए। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, क्लियर है? हर्पेटोलॉजी। साइंस में रेप्टाइल्स की स्टडी साइंस की एक सेपरेट ब्रांच में होती है एंड दैट सेपरेट ब्रांच इज हर्पेटोलॉजी। इसमें लिजर्ड्स आती हैं तो इसका मतलब लिजर्ड्स की भी स्टडी होती होगी। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स, LIZARDS। लिजर्ड्स की भी स्टडी होती है और लिजर्ड्स की स्टडी की ब्रांच को सौरोलॉजी कहा जाता है। SAURO LOGY, सौरोलॉजी। क्लियर है? रेप्टाइल इंक्लूड लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। तो इस रेप्टाइल्स की स्टडी कही गई तो हर्पेटोलॉजी, लिजर्ड्स की स्टडी कही जाएगी तो सौरोलॉजी। अच्छा, एक और बात, इसमें स्नेक्स भी आएंगे तो स्टडी ऑफ स्नेक्स। सांपों की स्टडी को क्या बोलते हैं? आंसर होता है स्नेक्स की स्टडी को ऑफिडोलॉजी कहते हैं। ऑफिडोलॉजी, या इसको हम लोग सरपेंटोलॉजी कहते हैं। द नेम इज सरपेंटोलॉजी, ऑफिडोलॉजी और सरपेंटोलॉजी। जो भी स्नेक्स होंगे, स्नेक्स की स्टडी ऑफिडोलॉजी होगी या इसको सरपेंटोलॉजी कहा जाता है। सर्प विज्ञान, क्या बोलते हैं? सर्प विज्ञान, स्नेक्स स्टडी इज सरपेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स आर सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स आर हर्पेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके करेक्टर्स को, रेप्टाइल्स के स्टडी के करेक्टर्स को। सबसे पहला करेक्टर, जब हम रेप्टाइल्स में चलते हैं तो इसमें हमें क्या देखना होता है, तो इनके हैबिटेट को समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेप्टाइल्स में पाए जाने वाले स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स, गेबियाल कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको अपने दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि जैसे होता है क्रोकोडाइल है, गेबियाल है, टार्टवाइस वगैरह है, पानी में पाए जाते हैं, तो पानी इनका हैबिटेट है। नहीं भाई, दे कैन लिव इन वाटर, वो पानी में रह सकते हैं, बट फॉर ब्रीथिंग, फॉर ब्रीथिंग सांस लेने के लिए इन्हें पानी से बाहर आना पड़ेगा। और जब पानी से बाहर आएंगे तो इसका मतलब इसका रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल हो गया। कुछ स्नेक्स एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर स्नेक्स, मेराइन स्नेक्स, लेकिन क्या वो पानी में सांस ले सकते हैं? आंसर है नहीं ले सकते। तो जब भी इन स्नेक्स को या ऐसे एनिमल को जो रेप्टाइल्स के पानी में पाए जाते हैं, पानी में रह तो सकते हैं बट रेस्पिरेशन करने के लिए उनको पानी से कहाँ आना पड़ेगा? बाहर आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसको एक बेसिक नाम देते हैं, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स पूरी तरह से लैंड पर रहने वाले ये वर्टिब्रेट्स हैं। कौन? पहले, क्योंकि इसके पहला वाला तो पानी में भी सांस ले सकता था, एम्फीबियन। पहला ऐसा एनिमल जो केवल और केवल लैंड पर एस्पायर कर सकता है वह मेंबर किसका होगा? रेप्टिलिया का होगा। फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, दे आर टेरेस्ट्रियल। ये कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल। रिस्पायर के बारे में लिख देता हूँ। रिस्पायर ओनली शब्द है, रिस्पायर ओनली ऑन लैंड। लैंड का मतलब एयर कर दीजिए, एयर में। तो एक ऐसे मेंबर की स्टडी है जिसमें कि हमें दो दो पहचान मिल रही है। पहली पहचान तो मिल रही है कि उसमें क्रीपिंग या क्रॉलिंग टाइप का मूवमेंट हो रहा है, और दूसरी पहचान मिल रही है कि ये
रह तो सकते हैं पानी में, लेकिन सांस लेने के लिए इन्हें पानी से कहाँ आना पड़ेगा, बाहर। दैट मीन्स दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, दे आर टेरेस्ट्रियल, रेस्पायर ओनली ऑन लैंड, दैट मीन्स इन एयर। ये करेक्टरिस्टिक्स का है। इनके स्किन के बारे में भी आपको समझा देते हैं, पहले ही करेक्टर्स को देखिए, स्किन को। एम्फीबिया से ठीक उल्टी स्किन होगी इसकी, वहाँ मॉइस्ट थी, तो यहाँ की स्किन इसकी ड्राई है। कैसी है? ड्राई। यहाँ स्किन रफ है, एम्फीबियंस की स्किन रफ होती है, ड्राई होती है, समझ में आ रहा है। नॉन ग्लैंडुलर होती है, नॉन ग्लैंडुलर मतलब इसकी स्किन में ग्लैंड्स नहीं पाया जाता। तो स्किन ऑफ द ऑल एम्फीबियंस, कोई भी एम्फीबियन हो, उसकी स्किन ड्राई होगी, रफ होगी, नॉन ग्लैंडुलर होगी, इसमें ग्लैंड्स नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्यों? क्योंकि इसके शरीर के बाहर एक्सोस्केलेटन होता है। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। कैसा भाई? तो देखिए, इसके शरीर के बाहर कार्निफाइड, KARCARNIFIED, कार्निफाइड मतलब केराटिनाइज्ड, कार्निफाइड स्केल्स एंड ईपीडर्मल प्लेट्स दे आर कॉल्ड एज स्क्यूट्स, SCUTES, स्क्यूट्स। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है, रफ होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है, लेकिन आप इसकी आप स्नेक्स के बारे में सोचिए, उसकी स्किन के बाहर क्या पाया जाता है? एक जो स्केलेटन होता है ना, और उस एक जो स्केलेटन का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? कार्निफाइड स्केल्स से। लेकिन जरा क्रोकोडाइल को देखिए, गेवियाल को देखिए, उनके बॉडी के बाहर की तरफ आप देखेंगे तो प्लेट्स पाई जाएंगी, कार्निफाइड प्लेट्स, और वो कार्निफाइड इपीडर्मल प्लेट्स को स्क्यूट कहा जाता है, SCUTES, स्क्यूट्स। दे आर द स्पेसिफिक। एक और चीज समझिएगा कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें ईयर, कानों की एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है, कान ईयर का, नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, मतलब हम लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, कानों की ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, OPENING, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनके पास नहीं होती। छोटे छोटे करेक्टर्स को भी लेकर के चल रहे हैं, और इन करेक्टर्स को अपने दिमाग में आप जगह देते जाइए। हम लोग बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की, क्रॉलिंग एनिमल्स की, क्रीपिंग एनिमल्स की। हैबिटेट, दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, दे आर टेरेस्ट्रियल, रेस्पायर ओनली ऑन द लैंड, स्किन इज ड्राई, रफ, नॉन ग्लैंडुलर, एक्सोस्केलेटन, यस, कार्निफाइड, हार्ड, स्केल्स एंड इपीडर्मल प्लेट्स आर प्रेजेंट। द इपीडर्मल प्लेट्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स आर कॉल्ड एज स्क्यूट्स। एनी रेप्टाइल्स, कोई भी रेप्टाइल्स की बात कर लीजिए, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ईयर ओपनिंग उनके पास नहीं होती। नहीं तो सांप के पास भी कान होता, कहाँ कान है? नहीं है, वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन सकता। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। तो स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स के लेक्चर में आज बस इतना। इसके बाद के डिटेल स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल, बाय।